नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम जो ब्लड रिलेशन का मैंने 1, 2 और 3 टाइप आपको पढ़ा दिया था, कि पजल फॉर्म पढ़ा दिया था, पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ा दिया था, बता दिया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और कोडेड फॉर्म हमें जब पढ़ाना था, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है आज मैं डिस्कस करूँगा कि ब्लड रिलेशन में जो कोडेड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। और ये जान लो कि ये एग्ज़ाम में आपका UP SSSC हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल के जितने भी एग्ज़ाम में जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन कोडेड से डालता ही डालता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, जो आपके पॉइंटिंग और पजल से ही होते थे क्वेश्चन, लेकिन अब टाइम कंज्यूम कराने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक। तो उसे कैसे आसानी से करें, टाइम ना लगे, वो आज हम चैप्टर में, आज की क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोग जान लें, जिनका रिन्यू खत्म हो रहा है 10+ कोर्स का, वो रिन्यू करा लो, क्योंकि ये जो है 3 मंथ आपका 15 तारीख तक सिर्फ वैलिड है। इस 15 के बाद फेज 2 हमारा शुरू होगा 10+ कोर्स का, जिसके अंतर्गत अब जितने 15 तारीख के बाद क्लासेस होंगी, उन सब के अगर PDF और प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तब आपको अगले 3 महीने के लिए आपको PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो सेम रेट में 499 में 3 मंथ तक वैलिड रहेगा, जिसे आप Pariksha+ ऐप से ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आपका होगा, ठीक। चलिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ऐसा जो है इंट्रो आपके सामने क्वेश्चन का होता है, ऐसा जो है क्वेश्चन बना के दिया रहता है, आप लोग देखते ही इससे पहले डर जाते हो। दिया रहता है कि हाँ 1 से 10 तक ये क्वेश्चन है, सॉरी 1 से 10 लिखा हुआ है, 1 से 3 इसमें क्वेश्चन है, 1 से लेके 3 तक। अब इसमें आपको बताना है कि दे दिया है कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़े निर्देश को, और इसी हिसाब से सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना होगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। पहले दिया है कि ये साइन दिया है, सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये फिगर, कि ये स्टार बना के दिया है, ए स्टार बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी। ये दे दिया कि जहां ये साइन आएगा उसका मतलब कि ए जो है सन है किसका, बी का, ठीक। जहां आपका साइन परसेंटेज वाला आएगा वहां आपको जानना है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक। जहां साइन आपका डॉलर आएगा वहां आपको ये समझना है कि ए जो है इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए बी का पिता है। और जहां आपका एट द रेट साइन आएगा उसका मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, और जहां आपका हैश का साइन आएगा वहां आप कहोगे ए इज द डॉटर ऑफ बी, और क्रॉस का जहां मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह आएगा वहां कहोगे ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो इन सभी साइनों का यूज करके आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप में ये पढ़ा रहा हूँ कोडेड का, इसमें क्या होगा, आपको एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन दिया रहेगा और आपको संबंध निकालना हुआ होगा। जैसे देख क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए अभिव्यक्ति में PU से किस प्रकार संबंधित है, कौन से अभिव्यक्ति में, जो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन जो दिख रहा है इसमें P जो है U से कैसे संबंध रखता है ये आपको बताना है, ठीक। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने, ये कोडेड का पहला टाइप है, तब आपको इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते हो कि रिलेशन P का और U से क्या होगा, ठीक। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, इसको मैं छोटा कर देता हूं, और उसके बाद से आपको मैं इक्वेशन लिख देंगा कि इक्वेशन आपके सामने दिया है P डॉलर Q परसेंटेज R इंटू S परसेंट T हैश U। अब एक एक करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डॉलर का मतलब क्या होता है हम यहां से देख लेंगे, कि डॉलर का मतलब बोला है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब जो पहला वाला है टर्म्स जो होगा वो फादर होगा किसका, दूसरे वाले का। तो डॉलर का मतलब यहां पे हम देखें तो पी जो होगा फादर होगा क्यू का, तो पी का तो जेंडर क्लियर हो गया ना, पी फादर होगा किसका, क्यू का। तो हम ऐसे कुछ बनाते हैं जब डिनोट करना होता है, ठीक। तो पी फादर होगा क्यू का, हम फैमिली चार्ट बनाएंगे इस इक्वेशन से, ये हमारा जो इक्वेशन दिया है इससे हम फैमिली चार्ट बनाएंगे। अगला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, क्यू परसेंटेज आर, तो परसेंटेज को देख लें, परसेंटेज हमारा साइन है, यहाँ पे देखो ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब पहला वाला जो टर्म्स है ए वो सिस्टर है किसकी, बी का। तो इससे क्या हो रहा है, आपका पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है ना,
बोला ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब जो परसाइन के पहले है उसका जेंडर क्लियर हो रहा है, तो वैसे क्यू परसेंटेज आर का मतलब, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ, यहाँ माइनस लगा देंगे, क्यू सिस्टर है किसकी, आर की। ठीक, ये होगा साइन ब्रदर और सिस्टर के लिए, मैंने ये बताया था। अगला है आर क्रॉस एस, आर क्रॉस एस का मतलब आपका मल्टीप्लाई का साइन है, तो आर क्रॉस एस का मतलब होगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब जो पहला वाला आदमी है आपका वो बी का भाई है, क्रॉस के इस साइड वाला ब्रदर है किसका, बी का। तो आपको आर क्रॉस एस दिख रहा है तो हम कहेंगे आर जो है ब्रदर है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो यहां प्लस लगा देंगे, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, एस परसेंटेज टी है, तो एस परसेंटेज टी मतलब परसेंटेज का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब एस इज द सिस्टर ऑफ किसकी, टी की। एस जो है सिस्टर है किसकी, टी की, मैंने माइनस साइन लगा दिया क्योंकि यहां से क्या दिख रहा है कि पहले वाले का जेंडर क्लियर होगा ए परसेंटेज बी से। ठीक, और टी हैस यू, टी हैस यू मतलब क्या होगा, यहां पे देखो जब टी हैस यू लिखा रहे आपका, तो हैस का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब ए जो है डॉटर है किसकी, बी की। दूसरे वाले का जो पहला वाला है वो क्या है, उसकी डॉटर है, तो ए का जेंडर क्लियर हो रहा है ना, बी का तो क्लियर नहीं हो रहा है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए माइनस होगा। तो ये जान लो जो टी हैस यू है, तो पहला वाला क्या है, यू का डॉटर है, तो टी का जो है जेंडर हो जाएगा यू आपका माइनस, ये डॉटर है किसकी, जो है यू की, तो यू ऊपर जाएगा क्योंकि इस जनरेशन का तो है नहीं, तो ऊपर जाएगा यू, इसकी जो है जो भी होगा, या तो यू फादर होगा या मदर होगा, वो कब क्लियर होगा, अब इसके बाद ही क्लियर होगा वो, इसका जेंडर अभी यहां तक नहीं क्लियर हुआ। तो टी जो है डॉटर है यू के, ये हमने जो डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम को हम देखें, इस फैमिली ट्री को, तो ये जो आपका एक ही जनरेशन के भाई और बहन है, ब्रदर और सिस्टर का ही रिलेशन है इन सब में, इसका मतलब पी जो यहाँ फादर दिया था, और यहाँ पे यू जो टी जो है वो भी क्या किसकी संतान है, यू की संतान है। तो यहाँ एक प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब एक ही फैमिली के ये लोग हैं तो ये प्लस है, तो ये माइनस होगा, जाहिर सी बात है, और ये दोनों क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे, मतलब टी के अगर मदर ये हैं तो फादर कौन होंगे, पी होंगे। तो आपसे रिलेशन क्या पूछा था, कि पी जो है यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पी जो है यू का क्या लगता है, तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं, पी जो है हस्बैंड है किसका, भैया यू का। ठीक है, पी जो है हस्बैंड है यू का, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन था, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, पूरे इक्वेशन को मैंने फैमिली ट्री बना लिया, और लास्ट में मैं देखा कि ये जो टी है वो यू का ही संतान है, और पी जो है ये क्यू जो है ये भी संतान है पी का, और सब ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब पी और यू क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन का आंसर भैया पहले तुम लोग कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा सब कुछ। इंट्रो वही है, आप इंट्रो लिख लो क्वेश्चन करते समय कि इसका साइन का मतलब क्या है, जहां सॉल्व कर रहे हो वहां लिख लो छोटे में, देखो जहां भी एग्जाम आए तो तुरंत यहां बना लिया करो कि स्टार का मतलब होता है ए जो है सन है बी का, और इसका मतलब होता है परसेंटेज का मतलब कि ए सिस्टर है बी का, तो ऐसे अपने कोड भाषा में लिख लिया करो, उसके बाद से इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व किया करो, टाइम भी कम लगेगा। ठीक, तो भैया जिसका जिसका आंसर आ जाए इसका कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है यू और पी का संबंध क्या होगा, यू जो है पी से कैसे संबंधित है। ठीक, आंसर कमेंट करो इसका जल्दी से जल्दी। चलिए अब जिसका नहीं आया, अब मैं बता रहा हूं और देखते जाओ, जहां गलती हुई वहां देख लेना। जान रहा हूं कहोगे सर इतना जल्दी कहां से हम कर लेंगे, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा वे भी कोडेड वाला। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, आराम से उसे देख क्वेश्चन को करो, जब आ जाए तब कमेंट कर दो, और क्या गुस्सा कर रहे हो। चलो, इक्वेशन आपका है पी हैस क्यू एट द रेट आर, स्टार आपका बना हुआ है, ठीक है, स्टार टी नहीं आर स्टार एस डॉलर टी
उसके बाद से परसेंटेज यू, फिर इस इक्वेशन को हम फैमिली ट्री बनाएंगे और इस फैमिली ट्री इसके मदद से बनाएंगे। शुरू करते हैं पी हैश क्यू, हैश का मतलब होता है ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब जो पहला वाला टर्म है वो डॉटर है सेकंड वाले टर्म्स का, तो पी जो है डॉटर है किसका, क्यू का, तो हम ऐसा कुछ बना देंगे क्योंकि क्यू का तो हमें पता नहीं है। जब हैश लगा है तो ए इज द डॉटर, ए डॉटर है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है, लास्ट वाले का नहीं हो रहा है, तो हम पहले वाले का लिख दिए कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, हमने ऐसे शो कर दिया। दो जनरेशन की बात है, ये मैंने फ्लो चार्ट आपको बनाना बता दिया है पहले लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। अब देखिए क्यू, क्यू एट द रेट आर लिखा है, तो क्यू एट द रेट आर का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब पहला वाला जो है क्यू जो है मदर है किसका, बी का, ठीक, ये भी उसी का संतान है और बी भी जो है क्यू का ही संतान है, और यहां पे क्यू का जेंडर क्लियर हो रहा है एट द रेट से कि ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो क्यू का जेंडर हो जाएगा माइनस और इसका भी पता नहीं, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो हम ऐसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब अगला आर स्टार एस, आर स्टार एस का मतलब यहां से देख लो, ए पुत्र है बी का, पहला वाला जो है वो पुत्र है किसका, दूसरे वाले का, इसका मतलब आर जो है वो पुत्र है किसका, एस का, हम यहां बना दे आर, ठीक है, और ये किसका पुत्र है, एस का पुत्र है, मैं यहां एस बना दू और यहां पे इसे दिखा दूं कि आर जो है पुत्र है, इसीलिए आर का जेंडर क्लियर हो गया, लिखा है ना स्टार का मतलब होता है ए इज द सन ऑफ बी, तो यहां पे आर का क्लियर हो जाएगा, आर इज द सन ऑफ एस, ठीक, तो आर जो है पुत्र है किसका, एस का। आगे देख बढ़ जाते हैं, अब एस डॉलर टी का मतलब क्या होगा, डॉलर में आ जाओ तो फिर से आ रहा है क्या कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक, डॉलर का मतलब भी ए इज द फादर ऑफ बी, तो हम यहां कहेंगे एस जो है फादर है किसका, टी का, एस जो फादर है वो किसका है, टी का फादर है, तो एस ही जो है टी का भी फादर है, और एस ही जो है आर, मतलब आर भी जो किसकी संतान है, एस का, और टी भी किसका संतान है, एस का, और इस वाले इक्वेशन से एस डॉलर टी से ये हमें पता चल जा रहा है कि एस का जेंडर क्या है, एस का जेंडर क्या है कि एस जो है फादर है किसका, टी का, तो यहां प्लस कर देंगे और ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो यहां ऐसा कुछ हम लगा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं टी परसेंटेज यू, ठीक है, टी परसेंटेज यू का मतलब देख लेते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहां देख लो ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो टी जो है सिस्टर है किसकी, यू की, पहला जो है ये सिस्टर है किसकी, यू की, ठीक, ये हम कर सकते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए इक्वेशन हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है उसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। P हैश Q का मतलब P जो है आपका हैश कहाँ, यहाँ पे A इज द डॉटर ऑफ B, ठीक, तो P इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद से आपका है नेक्स्ट Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, उसके बाद से Q एट द रेट R, यहाँ देखो B कहाँ से आ गया, यही मैंने समझ में आ रहा है, Q एट द रेट R आया है, तो एट द रेट का मतलब यहां पे देखो कि A इज द मदर ऑफ B, ठीक, इसका मतलब Q इज द मदर ऑफ किसकी, R की, तो ये R जो है यहाँ R होगा, मतलब ये एक ही साथ है, वो B नहीं, वो पढ़ते वक्त यहां से लिख दिया गया था, ये R होगा, Q जो है R भी जो किसकी संतान है, R की ही संतान है, तो यहाँ पे इसका जेंडर भी क्लियर कर दिया कि Q एट द रेट R का मतलब A इज द मदर ऑफ B, मतलब Q जो है R की जो क्या है, मदर है। उसके बाद से आपका यहाँ से नेक्स्ट चालू हुआ R स्टार S, तो R स्टार का S का मतलब हो गया A इज द सन ऑफ B, मतलब कि R जो है सन है S का। तो अब देखो जब ये सब एक ही जनरेशन के हैं तो पहले जैसा ये इक्वेशन बन गया, ठीक, सब एक ही जनरेशन के भाई बहन है और सब ये संतान है किसके, क्यू की, और ये भी संतान है क्यू के ही, इसका मतलब ये माइनस है तो ये प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या होंगे, ये दोनों मैरिड कपल होंगे, ठीक, तो ऐसे ये दोनों पति पत्नी हो गए एस और क्यू। और आपसे रिलेशन क्या पूछा वो देख लेते हैं,
पूछ रहा है यू पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यू का संबंध पी से पूछ रहा है, तो बच्चों ये ध्यान रखो जो हम यहाँ यू लाए हैं तो लास्ट में जब गए देखो टी परसेंटेज यू देखें तो टी परसेंटेज यू में हमें ये पता चला ए बहन है बी की, मतलब सिर्फ पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है, लास्ट वाले का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक, तो यू का तो हमें जेंडर क्लियर नहीं, तो हम बोल सकते हैं या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो उस केस में अगर हमें रिलेशन बताना हो यू का पी के साथ कि यू जो है पी का क्या लगेगी, तो हम क्या बोलेंगे, जब जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर वाला ही वो चल रहा है, तो हम कह सकते हैं या तो ब्रदर, अगर प्लस होगा तो ब्रदर, या सिस्टर, माइनस होगी तो सिस्टर, तो ब्रदर या सिस्टर होंगे। तो ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम डायरेक्ट एक आंसर दे देते हैं, जेंडर यहां क्लियर नहीं हो रहा है, प्लस और माइनस दोनों होने के चांस है, इसीलिए हम बोलेंगे या तो ब्रदर या तो सिस्टर, क्योंकि ये जनरेशन क्या है, एक ही जनरेशन के सभी हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेम आपका इंट्रो है, सेम आपका निर्देश है, वही सेम साइन यूज हुआ है और उसी पे ये रिलेशन दिया गया है, तो जहां लिखे हो उसी निर्देश पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो फटाफट। आंसर इसका सभी का आ जाना चाहिए, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब जिसका नहीं आया अब देख लो, टाइम ठीक है कम है, वीडियो पॉज कर लो और देख इसका आंसर कमेंट कर दिया करो। अब इक्वेशन में लिखता हूं और उसे सॉल्व करता हूं। इक्वेशन है फी हैस क्यू मल्टीप्लाई आर डॉलर एस इंटू टी, उसके बाद हैस लगाया हुआ है और यू है। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। पहला है पी हैस क्यू, पी हैस क्यू का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब कि जो पी जो है वो डॉटर है किसकी, क्यू की, ये होगा। उसके बाद से अगला क्या है आपका, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर का मतलब क्या हुआ आपका, यहां देखोगे तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ए जो है भाई है बी का, तो ए भाई है बी का, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है। ठीक, तो क्यू इंटू आर है तो क्यू जो है भाई होगा किसका, आर का, ये बना देंगे हम, क्योंकि P हैस Q का मतलब हुआ कि P आपका A जो है डॉटर है B का, मतलब पहला वाला डॉटर है दूसरे वाले का, और सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई से आया कि Q जो है R का भाई है, तो Q का जेंडर क्लियर हो गया। अगला आगे बढ़ जाते हैं, R डॉलर S है तो R डॉलर S का मतलब, डॉलर का मतलब यहां देख लो A इज द फादर ऑफ B, मतलब हम कह सकते हैं आर जो है फादर है किसका, एस का, तो आर फादर है तो आर का जेंडर क्लियर हो गया, आर पे प्लस लगा दें और यहां ऐसे कर दें तो ये एस हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एस इंटू टी का मतलब यहां देख लो, एस ए भाई है, मल्टीप्लाई का साइन ए भाई है बी का, तो ऐसे हम कहेंगे एस जो है भाई है टी का, एस भाई है, इसका मतलब यहां प्लस हो जाएगा, किसका भाई है, टी का। अगला है टी हैस यू, टी हैस यू देख ले तो देखो यहां पे हैस का मतलब क्या होता है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ऐसे होगा टी जो है डॉटर होगा किसका, यू का, यही तो, किसका जेंडर क्लियर होगा, ए हैस बी में, ए इज द डॉटर ऑफ बी पहले वाले का, तो टी इज द डॉटर ऑफ यू, तो टी जो है यू की डॉटर है, तो यहां पे माइनस साइन लगा देंगे। अब देखो ये टी जो है आर का भी संतान है और टी यू का भी संतान है, आर पे प्लस का साइन है तो ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट माइनस, क्योंकि ये मैरिड कपल होंगे तो यहां पे ये दोनों लोग पति पत्नी होंगे और उनके संतान कौन होंगे, एस और टी होंगे, जो भाई बहन होंगे। अब ये पूरा फैमिली ट्री बन गया आपके सामने और इसके रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन किससे पूछा है, बोला यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यू यहां देख रहे हो और पी यहां देख रहे हो तो किस प्रकार संबंधित है, देखो पी का पिता है क्यू, क्यू का भाई है आर, तो पी का हो गया चाचा। अरे भाई ये आपके पिता हो गए और ये आपके पिता के भाई चाचा कहलाएं, और चाचा की पत्नी क्या कहलाएंगी, चाची कहलाएंगी, तो वही पूछ रहा है तो यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यू जो है पी की क्या है, चाची है, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं हम अगले टाइप वाले क्वेश्चन में, जिसे हम इतना सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं होगी,
जब तक आपका पेचीदा ऑप्शन फंस ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेकंड टाइप का कोडेड में है, टाइप टू इसे लिख लो, ये दूसरा टाइप है कोडेड फॉर्म का। इसमें क्या है बच्चों ध्यान दो कि इसमें अभी तक आपको इक्वेशन दे रहा था और रिलेशन पूछ रहा था, अब आपसे रिलेशन दे दिया है और इक्वेशन पूछ रहा है, इस रिलेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और ये एग्जाम में आता है बहुत क्वेश्चन, ये एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन को। अब एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने इंस्ट्रक्शन, आप लोग कॉपी और पेन लिए हो बैठे हो तो उसे पॉइंट कर लो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। बोल रहा है ए, ये साइन देख रहे हो पाउंड वाला, ए इज द मदर ऑफ बी, डॉट का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और आपका ये जो साइन है स्टार जैसा ये, इसका मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, और ए इसका इस साइन का मतलब है ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब इससे हमें निकालना क्या है, इसी में हम क्या करते हैं, जैसे आपका रिलेशन पूछता है, ठीक है, जैसे हमने यहां चेक किया कि लिखा है आर इज द अंकल ऑफ टी, मतलब आर जो है चाचा है किसका, टी का, तो आपके दिमाग में तुरंत फैमिली ट्री बन जाना चाहिए, आर ये होगा, इसका एक भाई होगा, उसका एक पुत्र होगा, तभी तो आर चाचा कहलाएगा टी का, मतलब एक जनरेशन का होगा। और यहां पे ये दो आर का जेंडर भी क्लियर होगा, क्योंकि आर चाचा है टी का, इसका मतलब आर का जेंडर क्लियर हो गया, आर अंकल टी है तो आर का जेंडर प्लस होगा, मेल कैंडिडेट ही होगा, और यहां इसका एक भाई होगा, उसी का लड़का टी होगा, तभी वो टी का क्या होगा, चाचा लगेगा। ये आपको ऐसे ही डायग्राम कहां से निकलेगा वो हमें इस इक्वेशन से देखना है। तो हमें सब कुछ पहले नहीं करना, पहले तो ये देखो आपको ये करना है कि आर का जेंडर जहां प्लस हो उसी इक्वेशन को हम पहले देखेंगे। तो पहला काम इस ऑप्शन से हम करेंगे कि जहां आपका आर का जेंडर प्लस मतलब मेल कैंडिडेट आ रहा हो उस इक्वेशन को पहले छाटा जाए, उस ऑप्शन को देखा जाए। जैसे आर और स्टार पी दिख रहा है आपको, तो स्टार का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहां तो आर का मतलब हो गया आर फादर होगा पी का, तो यहां जेंडर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होने की चांस है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आर आर कहां दिखा, ये आर दिख रहा है, आर ये पाउंड का साइन और यू लिखा है, तो पाउंड का साइन का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब पहला वाला का जेंडर क्लियर हो रहा है इस साइन से, इस साइन से पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है कि ए जो है मदर है बी की, तो इस साइन से आर का जेंडर क्लियर होगा, तो बोला जाएगा आर मदर है किसकी, यू की, तो यहां तो साइन माइनस आ जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए प्लस साइन, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, फिर से आर के साथ ये वाला साइन है, ये साइन का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी बोला जाए, ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर क्लियर हुआ क्या प्लस, कि ए बी का भाई है तो प्लस हुआ, इसका मतलब यहां भी आर का क्या हो जाएगा, जेंडर प्लस होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन होने के चांस हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, आर डॉट क्यू, ठीक, आर डॉट क्यू देख लें, मैं ऐसे क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि यहां जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उसमें सभी का किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, जो आपके साइन के पहले हैं, इसलिए मैं साइन के पहले वाला जो देख रहा हूं, ये मुझे आर का देखना था जेंडर, तो मैं यहां से भी तो देख सकता था, लेकिन यहां से मुझे पता है सिर्फ पी का जेंडर पता चलेगा, क्योंकि हमें जो निर्देश दिया गया है उसमें सभी निर्देशों में ये है कि सभी में पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है। जब कहीं आपके सामने ऐसा लिखता कि ए ऐसे बी और बोलता बी इज द मदर ऑफ ए, ठीक, तब हमें जो है अलग से सोचने की जरूरत थी, तब हम इसके क्या करते हैं, हम इस वाले से इसका जेंडर क्लियर करते हैं, क्योंकि जब सेकंड की वो उसका जेंडर क्लियर करेगा इक्वेशन, तो हम इस वाले से सेकंड वाले का जेंडर क्लियर होगा। अभी हमें इस जो आपका सिंबल दिया उससे पहले वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है, तो सिंबल से पहले वाले को देखेंगे, तो डॉट के पहले क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो आर जो है सिस्टर होगी क्यू की, तो यहां भी माइनस साइन आ जाएगा। चलिए तो इस तरह से इसमें भी माइनस आ गया आर का साइन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया है, क्योंकि आर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सिस्टर कह रहा है कि यहाँ पॉइंट का मतलब, तो ये तो हो नहीं सकता। हमारे पास बचा अब दो ऑप्शन, अब इस दो ऑप्शन में हमें क्या करना है, देखना है कि क्या कौन सा सही होगा, ठीक, और एक तो ये इसमें नन ऑफ दीज, मगर नन ऑफ दीज वाला पांच ऑप्शन वाला आपके पास आएगा नहीं, ये बैंक वाले में आता है ऐसा, ठीक,
तो आपको तब दोनों को सॉल्व करना होगा। अगर चार ऑप्शन है तो आप एक को सॉल्व कर लोगे, अगर उसमें आपका सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा आपका आंसर होगा। बाकी एक और तरीका मैं बता दूंगा, पहले इस तरीके से देख लेते हैं। जैसे हम मैंने पहले वाले इक्वेशन को उठा लिया और इसे सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन क्या हमारा, आर स्टार वाला है पी, ये साइन है आपका एस, पाउंड वाला साइन क्यू डॉट टी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आर स्टार पी का मतलब होता है, यहाँ पे देख लो, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब आर जो है फादर है किसका, पी का। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आर पे मैंने प्लस साइन लगा दिया पी, और ये साइन आपका एस सी वाला और एस के साथ है, तो क्या होगा, इस साइन का मतलब होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हम बोलेंगे पी जो है भाई है किसका, एस का, पी भाई है एस का, तो यहां प्लस कर देंगे और ये भाई बना दिए एस को। उसके बाद एस आपका ये पाउंड वाला साइन, एस पाउंड साइन क्यू, तो क्या होगा इसका मतलब, देखो इसका मतलब होता है ए है जो, ए है माँ है किसकी, बी की। तो हम कहेंगे एस जो है वो माँ है किसकी, क्यू की, एस जो है माँ है क्यू की। तो ऐसा बन जाएगा कुछ, देखो ये बन जाएगा या नहीं, एस पे माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि एस जो है माँ है किसकी, क्यू की, और क्यू डॉट टी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, पहले वाले का, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, तो क्यू सिस्टर है टी की। इसका जेंडर अभी भी हमें पता नहीं है और पूछ रहा है आर जो है चाचा है टी का। तो यहाँ से क्या आर चाचा दिख रहा है क्या आपको टी का, इसमें तो हमें दो जनरेशन हो गया, एक जनरेशन तो यही चेंज हो गया और दूसरा जनरेशन यहां चेंज हो गया। तो जब दो जनरेशन चेंज हो जाती है और उस लास्ट वाले से और पहले वाले जनरेशन से कोई रिलेशन पूछेगा, तो दो आप में चाचा तो आएगा नहीं, एक ही जनरेशन में चेंज जब यहां होगा, जैसे मान लो ये हुआ कोई आइडेंटिटी और ये दोनों भाई हैं और यहां एक जनरेशन चेंज हो रहा है, इनके में से कोई किसी का एक का लड़का है ये, तो यहां ये जो है चाचा वाला केस बनता है, ये इनके पिताश्री होंगे इस वाले आइडेंटिटी के और ये इनके चाचा होंगे। यहां देखो दो जनरेशन चेंज हुआ, मतलब एक जनरेशन ये वाला चेंज हुआ, एक जनरेशन ये वाला चेंज हुआ। तो जहां दो जनरेशन चेंज हो जाता है वहां थ्री स्टेप में काम हो जाता है, और जहां थ्री स्टेप हो जाता है तो ये आपका पहला स्टेप हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। और फर्स्ट और थर्ड से अगर आपसे रिलेशन पूछता है तो वहां चाचा का रिलेशन नहीं बैठता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड वाले में चाचा का रिलेशन बैठता है। ठीक, तो फर्स्ट और थर्ड से रिलेशन पूछ रहा है तो यहाँ जान लो कि दादा और दादी वाला रिलेशन मिलता है आपका, तो ये वाला डायग्राम तो आपका फॉलो करेगा ही नहीं इस केस में। तो आप डायरेक्ट इस वाले मेथड से भी कर सकते हो कि जहां देखो जनरेशन ज्यादा चेंज हो रहा है, आपको पता है कि चाचा जनरेशन के लिए सिर्फ हमें एक बार चेंज होने की जरूरत है, मतलब पहला ही है, सेकंड वाले पे हमारा जो है होना चाहिए, यहाँ तीन स्टेप में हो गया। तो इसलिए जहां ऐसा हो कि जनरेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहला वाले ऑप्शन में टी का रिलेशन तो आर से बनेगा नहीं, इस केस में आर जो होगा वो क्या होगा, टी का दादा कहलाएगा। ठीक, टी का दादा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको आर को चाचा बताना है टी का, तो ये वाला आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही कैसे होगा, उसे भी अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। पी स्टार आर का मतलब होता है कि पी जो है, और छोटा कर दे रहा हूं मैं इसे, ए इज द फादर ऑफ बी, तो पी जो है आपका फादर है किसका, आर का, पी जो है फादर है आर का, प्लस साइन लगा दिया। फिर यहां पे आर जो है ये सी वाला साइन है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर ब्रदर है किसका, क्यू का, आर भाई है क्यू का, और क्यू डॉट सी का मतलब कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो क्यू जो है सिस्टर है किसका, एस का। ठीक, उसके बाद एस स्टार टी लगा हुआ है, तो एस स्टार टी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, तो हम कहेंगे एस इज द फादर ऑफ टी, तो एस जो है फादर है किसका, टी का, एस यहाँ क्या होगा, प्लस साइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जनरेशन यहाँ चेंज हुआ, एक जनरेशन यहाँ चेंज हुआ, सिर्फ दो जनरेशन चेंज हुआ। आप जानते हो दो ही जनरेशन में चाचा चाची मामा मामी वाला आता है, थर्ड जनरेशन में दादा दादी नाना नानी वाला आता है। ठीक, जहां दो बार ये चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे एक बार यहां चेंज हुआ आपका पी से और एक बार यहां चेंज हुआ, तो ये भी है, लेकिन यहां पे आपका आर नहीं है, यहां पे दिया था ना
कि पी स्टार आर लिखा था, यहाँ पे आर स्टार पी लिखा है तो आर ऊपर हो गया था, यहाँ पे आपका पी स्टार आर लिखा तो आर जो है आपका आर और टी में अभी जनरेशन कितने का चेंज हो रहा है, सिर्फ एक का चेंज हो रहा है। ठीक, पी से और टी में पूछता था तो यहाँ भी तीन जनरेशन वाला हो गया, मतलब तीन स्टेज हो गया, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक, लेकिन पी से और टी का रिलेशन नहीं पूछा आपका, आर से टी से पूछा तो आर अभी आपका सेकेंड वाले स्टेज में है, तो जब सेकेंड वाले स्टेज में है तो यहाँ पे आर जो है चाचा चाची और मामा मामी वाला स्टेज है। तो हम देख लेते हैं, जब एस का ये क्या है, लड़का है टी, और एस की बहन क्यू है, और क्यू जो है बहन है किसकी, आर की, तो एस और आर में भी भाई भाई का रिलेशन हुआ, तो इस तरह से आर क्या हो जाएगा, टी का चाचा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, तो इससे हम मेथड से भी कर सकते हैं कि आर का जनरेशन, जब आर मिल रहा है वहां से टी तक जाने में हमें जनरेशन कितने की जरूरत है, जैसे आर यहां मिला तो यहां से जाने में हमें कितनी बार जनरेशन चेंज करना पड़ा, तो एक जनरेशन चेंज करना पड़ा ना, जहां हमें आर मिला वहां से साइन देखें तो हमें टी तक पहुंचने में एक जनरेशन चेंज करना पड़ा, तो एक ही जनरेशन में आपका जहां चेंज होता है वहां चाचा चाची मिलने लगते हैं। ठीक, जहां आपका दो जनरेशन की जरूरत होती, जैसे आर से टी जाने में यहां दो जनरेशन चेंज हो रहा है, तो यहां चाचा चाची नहीं मिलेंगे, तो इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि उसे कैसे करेंगे, इसी मेथड से मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए, सेम आपके निर्देश पे है, सेम आपका जो दिया गया है साइन उसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, और बोल रहा है एक्स माँ है यू का, ये आपको रिलेशन जो है बताना है, एक्स जो है माँ है किसकी, यू की, इसे आपको बताना है कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आंसर करिए कमेंट अपना। चलिए पहला हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन वो देख लेते हैं, एक्स माँ है यू का, तो एक्स पे जो साइन आएगा जेंडर का वो माइनस का आएगा, तो हम पहले एक्स जहां जहां माइनस हो रहा है उसे देख लेते हैं। ठीक, और यू से रिलेशन है एक्स और यू के बीच में, ये वाला रिलेशन हमें मिलना चाहिए, सिर्फ एक का गैप होना चाहिए एक्स और यू के बीच में, एक जनरेशन कहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक, एक बार चेंज होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप की बात है ये। ठीक है, तो एक्स पहले तो माइनस चेक कर लेते हैं, इस पॉन्ड का साइन का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द मदर ऑफ बी, तो एक्स का यहाँ साइन क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, तो इसे क्या अभी होने का चांस है, एक्स फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ माइनस साइन आएगा, सेम चीज है, तो फिर यहाँ पे वही है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन ही आएगा, और यहाँ पे भी उसके साथ एक्स के साथ यही साइन लगा हुआ है, तो हर केस में तो ये माइनस साइन ही देगा, अब क्या करोगे भाई, माइनस वाले से तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं ये वाला, इसके चारों ऑप्शन जो हमने सीखा उससे एलिमिनेट नहीं हुआ, तो पैनिक नहीं होना है आपको। अब देखते हैं हम अपना जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जनरेशन वाला कि कैसे जनरेशन गैप जो है, पता चले एक्स और यू के बीच में दो जनरेशन गैप आ गया, तो एक्स और यू का संबंध तो हम निकाल ही नहीं सकते ना माता वाला, जब दो जनरेशन दो बार चेंज हो जाएगा, एक बार जैसे यहां से ये एक्स है, एक चेंज हुआ यहाँ पे, एक चेंज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया आपका यू, तो यहाँ तो एक्स कभी भी यू का जो है माँ नहीं बन पाएगी, ये इस थर्ड स्टेज में हमेशा नाना नानी दादा दादी होते हैं, हमेशा एक्स जो है माँ बनने के लिए एक्स को यहाँ पे इस सेकेंड स्टेज में होना चाहिए। तो अब उस जनरेशन वाले से हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं एक बार जनरेशन यहां से चेंज हो रहा है इस साइन से, और देख लें किस साइन से हमारा जनरेशन चेंज हो रहा है, जैसे इस वाले साइन से चेंज हो रहा है ना पॉन्ड वाले से, कि ए इज द मदर ऑफ बी, ऐसे अब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इससे तो जनरेशन चेंज नहीं होगा, ये सेमी जनरेशन के लोग हैं, स्टार के साइन से ए इज द फादर ऑफ बी, इससे हो रहा है, मतलब स्टार वाले साइन से हम कहें ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब यहां भी एक जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जहां स्टार आएगा समझ लो वहां एक जनरेशन होगा, तो एक तो यहां चेंज हो गया, एक यहां चेंज हो गया, तो यू तक जाने में हमारे दो जनरेशन चेंज हो गई, मतलब एक ये चेंज हो गई और एक ये चेंज हो गई। ठीक, तो अब क्या होगा, ये आपका ऑप्शन तो होगा नहीं, हमें तो दो नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ एक चेंज करना है, तो दो जनरेशन चेंज हो रहा है इसमें, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, हमें मिला एक्स यहां, एक्स से जाएंगे तो ये वाला और ये वाले में देखो क्या साइन चेंज हो रहा है, कोई जनरेशन चेंज वाला है क्या, इससे क्या हो रहा है, सेम जनरेशन है ये वाला साइन, और यहां पर भी आपका क्या है उसी पे है, तो इसे हो सकता है कि इसका आंसर आ जाए, बाकी अभी देख लेते हैं, इसे अभी छोड़ते हैं बी वाले ऑप्शन को, सी वाले ऑप्शन को देखते हैं।
सी वाले में यहाँ एक बार जनरेशन चेंज होगा इस साइन से, डॉट से क्या जनरेशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, स्टार से शिफ्ट हो रहा है। मतलब जहां आपका स्टार आ जाए और जहां ये पाउंड वाला साइन आ जाए वहां जनरेशन चेंज हो रहा है, तो आपका यहां पे फिर से एक जनरेशन चेंज हो जाएगा। मतलब जो बार चेंज हुआ, एक बार आपका यहां चेंज हुआ, एक बार यहां हुआ, और फिर से लास्ट वाले से फर्स्ट वाले में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? उस केस में आपका दादा दादी नाना नानी वाला रिलेशन निकलेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगले आप ऑप्शन में बढ़ जाते हैं, ऑप्शन डी पे इसे देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका, फिर से एक्स यहाँ एक जनरेशन चेंज होगा, हमें पता है इस वाले साइन से होता है, फिर स्टार वाले से होता है, एक जनरेशन आपका यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक स्टार से हो रहा है ना, स्टार से देखो, स्टार से ए इज द फादर ऑफ बी, एक जनरेशन आपका यहाँ चेंज हो रहा है, उसके बाद से आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी दो जनरेशन चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका एक और दो यहाँ पे भी चेंज हो रहा था, और यहाँ पे भी दो हो रहा है, मतलब एक बार यहाँ चेंज होगा, एक बार यहाँ चेंज होगा, और लास्ट वाले से आपका इसमें पूछ रहा है रिलेशन, ठीक। एक तो यहाँ चेंज हुआ कि x से y हुआ, फिर y से आपका क्या हो जाएगा, o वाला हो जाएगा, तो एक जनरेशन ये दो चेंज हुआ, तो हमें दो चेंज का देखना ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन कहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, हम जनरेशन से देख लिए कि किसके किसके बीच में कितना जनरेशन होने की जरूरत है। अब इस ऑप्शन बी को हम सॉल्व करें, तो अब जब तीनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए हैं, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। चेक कर लेते हैं इसे हम सॉल्व करके कि हमारा ऑप्शन बी होगा सही या नहीं। पी, उसके बाद ये साइन है सी वाला, एक्स डॉलर ओ, फिर ये साइन यू है, ठीक है। अब देख लें तो P और C, इसका साइन का मतलब होता है A इज द जो है ब्रदर है B का, तो P जो है ब्रदर है किसका, X का, P भाई है X का, ऐसे हमने शो कर दिया। उसके बाद से डॉलर का साइन है X डॉलर O, तो X डॉलर नहीं आपका पाउंड वाला साइन है, तो पाउंड वाला साइन है, तो इसका मतलब होता है A इज द मदर ऑफ B, इसका मतलब X जो है मदर है किसकी, O की, तो X जो है O की मदर हो गई, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। अगला हमारा स्टेप है O, फिर ये C वाला साइन आ गया, तो O U के बीच में क्या आ जाएगा, A जो है भाई है B का, इस साइन का मतलब यही हुआ, तो हम कहेंगे O जो है भाई है किसका, U का, ठीक है। और जो हमें चाहिए था मदर वाले केस में, मैंने बताया था ना, एक ये होता कि यहाँ एक्स है और यहाँ यू है, तभी वाला एक ही जनरेशन हमें चाहिए, इनके बीच में दो नहीं चाहिए। देखो एक ही एक बार जो है जनरेशन चेंज हुई है, एक ही चेंज हुआ है, मतलब दो स्टेज में है ये, पहला स्टेज आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा स्टेज ये हो गया, तो इस केस में हमारा आंसर बन सकता है। बाकी केस में हमारे क्या हो रहे थे, तीन स्टेज में पहुंच रहे थे और दो जनरेशन चेंज हो रही थी, ठीक। तो एक ही बार यहाँ चेंज हुआ, और ये देखो ओ की जब माँ एक्स है और ये दोनों ये भाई है यू का, तो इसका मतलब यू की भी तो माँ एक्स ही होगी, और यही आपसे पूछा है कि एक्स माँ है यू का, तो ये वाला कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई करेगा। देखे तो बिना मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किए, और वो भी ऐसा ऑप्शन था जिसमें ऐसा लग रहा था पहले वाले से जहाँ माइनस आ रहा था कि सभी में माइनस आ गया, तो इससे तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हमें चारों के सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, आप तुरंत देखो कि आपके क्वेश्चन में जनरेशन कहाँ से बदल रहा है, गैप कहाँ से आ रहा है जनरेशन में। जैसे यहाँ पे हमें एक जनरेशन का गैप चाहिए था, तो हमें एक जनरेशन से गैप से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जहाँ आपके दो जनरेशन का गैप मिल रहा है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से इनके और इनके बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ पे दो जनरेशन से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, दो जनरेशन का गैप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक जनरेशन का गैप चाहिए, ठीक। तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अब इसे सॉल्व करो, क्या होगा, सेम आपके डायरेक्शन पे ये भी क्वेश्चन है, सेम साइन पे है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बोल रहा है एल दादा है ओ का। अब देखो जब दादा वाली बात आ गई, तो दादा होने के लिए हमें कितने जनरेशन चेंज होने पड़ेंगे, ये तीन जनरेशन चेंज होना पड़ेगा, मतलब तीन स्टेज पे जाना पड़ेगा, दो जनरेशन चेंज होना पड़ेगा, एक जनरेशन यहाँ एक जनरेशन यहाँ, मतलब दो जनरेशन का गैप होगा तब दादा वाला स्टेज आएगा। तो जैसे थ्री स्टेज अब बोल सकते हो, पहला स्टेज ये, सेकेंड स्टेज पे ये रहेंगे हमारे पिताश्री, और थर्ड स्टेज पे हमारे दादाश्री रहेंगे, तो तीन स्टेज और दो जनरेशन का गैप हम बोल सकते हैं एक तरह से इसे,
ठीक, ये साइन आपको बताता है जनरेशन गए और ये आपके स्टेज हो गए तीस स्टेज पे। तो हमें एल मान लें, यहाँ एल है और यहाँ ओ है, तो हम उस केस को देखेंगे। अगर कहीं ओ दूसरे स्टेप में ही आ जाता है, इस वाले में आ जाता है, तो कभी भी एल ओ का दादा नहीं होगा, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, जब ओ आपका थर्ड स्टेज पे ही हो, इसका मतलब आपका लास्ट में हो, तभी एल से हम ओ का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहले तो साइन से करेंगे। बोला एल दादा है ओ का, तो एल का जेंडर क्लियर हो गया कि एल प्लस पो होगा, एल मेल कैंडिडेट होगा। तो पहले तो हम इसी से ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। एल स्टार आर का मतलब क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एल का साइन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इसे आंसर होने के चांसेस हैं। सेकंड पे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, जैसे आर स्टार एल दिया हुआ है, तो स्टार से हमें पहले का पता चलता है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब आर इज द फादर ऑफ एल, यहाँ इसका साइन पता चल जाएगा कि आर प्लस होगा। एल का साइन पता करने के लिए हम इस वाले को देखेंगे, इस वाले दोनों को, इनके बीच के साइन को। तो ये जो साइन है एल वाला, एल टाइप का, इसका मतलब क्या होता है कि ए इज द मदर ऑफ बी। तो यहाँ से ये आ रहा है कि एल जो है मदर है पी की। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ, एल जो है मदर है किसकी, पी की। एल जो है माँ है पी की, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें तो माइनस चाहिए नहीं, हमें तो प्लस चाहिए, एल पे मेल कैंडिडेट चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलो, इस वाले से एक एलिमिनेट हो गया। अगला, एल स्टार एम इज द फादर ऑफ बी, यहाँ फिर से प्लस साइन आ गया आपका, फिर से प्लस साइन आ गया, इसका मतलब ये चांसेस हैं इसके होने के, आंसर इसे छोड़ देते हैं। फिर एल स्टार आर देख लें, तो फिर से एल स्टार आर में एल का जो है आपका जेंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेटर ये वाला जो जेंडर वाले से हम जो करते हैं कि जेंडर से ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, उससे हमारा सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया है। तो अब बाकी जो बचे हैं उसको हम कैसे करेंगे, वह जनरेशन वाले से करेंगे। तो आपको पता है कि जब जनरेशन कौन सा देखें, जब हमें एल और ओ के बीच में हमें दो बार जनरेशन चेंज होते हुए मिले और तीन स्टेज में चीजें हों। ठीक, तो देख लेते हैं पहले वाले ऑप्शन में कि पहले वाले ऑप्शन में क्या है दिक्कत। देखो, यहां से कौन कौन जनरेशन गैप क्रिएट कर रहा है, देखो ये वाला साइन कर रहा है स्टार वाला, और कौन साइन कर रहा है आपका, आपका एक एल वाला जो साइन है ये कर रहा है। ठीक, इससे एक जनरेशन बदल रही है और इससे एक जनरेशन बदल रही है। तो देख लेते हैं, एल और आर के बीच में एक जनरेशन यहाँ बदलेगी। ठीक है, उसके बाद से कोई जनरेशन बदलने वाला है क्या इसके बीच में, नहीं है ना। देखो, दो ही तो बदल रहे हैं, और यहाँ पे एक ही जनरेशन बदलने के बाद ये सभी हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकता। एक ही जनरेशन, देखो एल के बाद ये जनरेशन बदलेगा, आर आएगा, उसके बाद से सभी एक ही जनरेशन में हो जाएंगे, तो यहाँ ओ आ जाएगा, तो एल ओ का दादा थोड़ी होगा। यहाँ तो आपके चाचा पापा वाला कंडीशन आ जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टेज वाला हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, अगले इस पे बढ़ जाते हैं, ये भी आपका ऑप्शन बी भी कैंसिल है। ऑप्शन सी पे आते हैं बच्चों। ऑप्शन सी में क्या है, यहाँ पे देखो एक बार जनरेशन बदलेगा, स्टार से बदलता है एक जनरेशन, उसके बाद से फिर से यहाँ स्टार आ गया, तो दो बार बदलेगा, मतलब हमें दो ही बार तो चाहिए। देखो, एक बार यहाँ चेंज हो और एक बार यहाँ चेंज हो, दादा के केस में एक बार ऐसे चेंज हो, दादा हैं तो ये पिताश्री होंगे और पिताश्री के बाद ये हम लोग वाली पीढ़ी होगी। तो जहाँ दो बार चेंज हो, वही समझ लो वहाँ आंसर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखो क्या यहाँ पे आपके कितने बार चेंज है, एक बार यहाँ चेंज है, एक बार यहाँ चेंज है, और एक बार और चेंज है। देखो कहाँ चेंज हो गया, इसका मतलब भी तो चेंज ही होता है जहाँ ये साइन हो, इस साइन में, तो यहाँ पे भी ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब एक जनरेशन और चेंज हो गया। मतलब हम कह सकते हैं सी वाले ऑप्शन में जो एल है, एक बार चेंज हुआ, यहाँ एम आया, फिर एम से एक बार चेंज हुआ, आर हुआ, फिर आर से एक बार चेंज हुआ, तो के हुआ। तो अब देखो ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया, उसके बाद से आपका यहाँ कहीं ओ आएगा। ठीक है, कहीं यहाँ पे आपका ओ आएगा, हमें सिर्फ दो वाला चाहिए था, ये और ये चेंज चाहिए था, एक तीसरा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दादा नहीं है, परदादा वाला केस बन गया। जब ये वाला केस आया आपका, अगर यहाँ के साथ ओ का भी इसके बाद चेंज नहीं हो रहा है, तो मान लो ओ इसी के समकालीन में है, इसी सेम जनरेशन में है, तो ये होंगे पिताश्री, ये होंगे दादा, ये परदादा। ठीक, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा।
इसका मतलब सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या, ऑप्शन डी बचा। और ये क्यों सही होगा, देखो एक बार यहाँ चेंज होगा और यहाँ कहीं एल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब फिर यहाँ चेंज होगा, दो ही बार चेंज होगा, जैसे एल से आर में एक बार चेंज होगा, फिर आर और एम एक साथ वाले होंगे, फिर एम से के में चेंज होगा, फिर के और ओ एक साथ वाले होंगे। तो देखो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में दादा वाला कंडीशन आता है, तो देख लो दो बार चेंज हुआ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक तो इसे सॉल्व करके देख लेना कि ये मेरा मेथड कितना सही है, आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इतना टाइम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम है, जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ ये देखोगे यहाँ से कि कौन कौन से साइन जनरेशन गैप क्रिएट कर रहे हैं, और बस उसी से आप तुरंत जान जाओगे कि अच्छा दादा के साथ रिलेशन निकालना है तो हमें जो जनरेशन गैप चाहिए, तो जहां जिस ऑप्शन में दो जनरेशन गैप मिले उसे कैंसिल आपको कर दो, सोचो कि वो आंसर होगा, जहां नहीं मिले उससे ज्यादा मिले तो उसको भी कैंसिल कर दो ऑप्शन को, उससे कम मिले उसे भी कैंसिल कर दो ऑप्शन को। और जहां आपका पहले क्या करना है, पहले आपको जेंडर वाले से क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और वहां से जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, जो बच रहा है उसको आप क्या करो, जनरेशन गैप वाले से एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अब इसी बेस पे आपको क्या करना है, आज का आपका जो आपके सामने ये जैकपॉट क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर में कमेंट में जो है इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है इस जैकपॉट क्वेश्चन का आंसर। सेम निर्देश पे है, निर्देश लिख लो, चाहे तो मैं बड़ा कर दे रहा हूं पूरे इस क्वेश्चन को, आपका ये जैकपॉट क्वेश्चन है। और आपको से पूछा है आर जो है पुत्री है किसकी, पी की, तो आपको बताना है कौन सा इक्वेशन सही होगा तुरंत एकदम, जैसे मैंने जिस स्टेज से बताया कि पहले जेंडर वाला क्लियर करो, उससे ऑप्शन एलिमिनेट करो, और सेकेंड अगर जेंडर वाले से कुछ बच जाता है तो अब आप जनरेशन वाला फंडा अपनाओ। ठीक, तो ये आपका ब्लड रिलेशन पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया, जितने तीन टाइप के क्वेश्चन बनते थे आपके, पजल फॉर्म, ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडिंग के दो टाइप के क्वेश्चन, जो कोडेड ब्लड रिलेशन आते हैं उसमें आपके पहला टाइप जिसमें आपको इक्वेशन दिया होता है रिलेशन निकालना होता है, और दूसरा टाइप आपको जहाँ पे रिलेशन दिया होता है और इक्वेशन निकालना होता है, मैंने दोनों बता दिया। प्रैक्टिस सेट आपको ये ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो 10 प्लस कोर्स का ग्रुप है पेड, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जहां कोई दिक्कत हो आप ग्रुप के मैसेज करके एडमिन टीम से पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां मैं आपको बता दूंगा ठीक कि आपका कहां दिक्कत हो रहा है। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, और चैनल में जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।